हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर एंड कंप्यूटर के एमसीक्यूज का आज ये पार्ट 35 है। बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके आरआरबी एंड आईबीपीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पार्ट आप देखने जा रहे हैं इसकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। डाउनलोड करने के लिए विजिट कर सकते हैं आप www.goldencareer.co.in। क्लिक करना है स्टडी मटेरियल पर एंड ये है पीडीएफ। अगर आप डाउनलोड करने आए, वैसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए, आपके रिविजन में बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज़ एक ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड हाई लेवल पजल्स भी आरआरबी पीओ मीन के लिए अब अवेलेबल है, तो उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम देखते हैं अपने कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल एलिमेंट्स इज द स्टार्टिंग एलिमेंट इन ऑल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मतलब पूछा गया है, जब कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो भी कोडिंग की जाती है, वो डॉक्यूमेंट बनता है। अच्छा, जो एचटीएमएल फाइल बनती है ना, उसका एक्सटेंशन जो होता है वो भी एचटीएमएल ही होता है, .html। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे पहले, स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है बेसिकली ये पूछा गया है। तो स्टार्टिंग एलिमेंट जो होता है वो रूट होता है, एंड हर जगह स्टार्टिंग एलिमेंट जो होता है वो रूट ही होता है मैक्सिमम केस में। तो अगर कुछ ऐसा एग्जांपल आता है किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एंड ऑप्शन अगर रूट है एंड आपको सही आंसर नहीं पता है, तो आप रूट टिक करके आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हु इन्वेंटेड द क्वालिटी कीबोर्ड। क्वालिटी कीबोर्ड तो आपको पता ही होगा, आजकल मोबाइल फोन में, लैपटॉप में जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं ना, वो क्वालिटी कीबोर्ड होता है। क्वालिटी क्यों, ऊपर लिखिएगा फर्स्ट रो अपने कीबोर्ड में, तो लेटर्स क्या होते हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, ऐसे होते हैं ना। फिर नीचे देखेंगे तो ए एस डी एफ जी एच जे के एल, तो ये क्वालिटी यहीं से है, ठीक है, इसी से इसका नाम पड़ा क्वालिटी कीपैड। एंड क्वालिटी कीबोर्ड का जो इन्वेंशन किया था वो किया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। तो इसका आंसर सी सही है, ये सब याद करने की चीज़ है। नेक्स्ट है, कॉन्स्ट्रेंट्स आर अप्लाइड ऑन। कॉन्स्ट्रेंट्स एक टेबल में कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। देखिए, रो पे कॉन्स्टेंट कभी अप्लाई नहीं होता है, कॉन्स्टेंट एक पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई होता है। तो इसका सही आंसर होगा कॉलम। अब बात ये आती है कि कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं। देखिए, कॉन्स्टेंट में समझ लीजिए आप एक सिंपल सी भाषा में रोक लगाना, ठीक है, अनऑथराइज चीज़ों की एंट्री की रोक लगाना या किसी भी चीज़ की रोक लगाना। जैसे देखिए, एक डेटाबेस की हमने टेबल बनाई, ठीक है, उस टेबल में हम लिख रहे हैं नेम इस कॉलम में, ठीक है, इस कॉलम में हम लिख रहे हैं फ़ोन नंबर, और इस कॉलम में हम लोग लिख रहे हैं एड्रेस, ठीक है, ये एक टेबल है। चलिए, बन गई हमारी टेबल, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि फोन नंबर वाले फील्ड में कोई नंबर ही एंटर हो, कोई लेटर एंटर ना हो। मतलब कोई अपना फोन नंबर लिख गया ABC123 है मेरा नंबर, ये ना हो, सिर्फ फोन नंबर ही वहां पर एंटर हो। तो वहां पर हम कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, मतलब ऐसा कॉन्स्टेंट लगा देंगे कि वो लेटर यहाँ पर अल्फाबेट्स की एंट्री ना ले उस कॉलम में, ठीक है, और सिर्फ कैरेक्टर लेटर्स की वो नंबर्स की एंट्री ले। तो हम कॉन्स्टेंट वहां पर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत से कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी ले एंड सिर्फ डेट ले, डेट एंड टाइम ले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हम डेटाबेस में लगा सकते हैं, प्रोग्रामिंग के एंड पर भी लगा सकते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट है, इन ईआर डायग्राम व्हाट डज एलिप्स रिप्रेजेंट। पूछा गया है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर डायग्राम होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। तो जो इलिप्स होता है ऐसे बनता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको, एट्रीब्यूट्स को। और इन ए डेटाबेस अ कॉलम इन द टेबल इज कॉल्ड। किसी भी डेटाबेस में एक कॉलम क्या कहलाता है, किसी भी डेटाबेस में जो कॉलम है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। रो जो होती है वो क्या कहलाती है, वो एक एंटिटी कहलाती है, ठीक है, एंड जो एक पर्टिकुलर कॉलम होता है वो आपका एट्रीब्यूट कहलाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एंटिटी इंटीग्रिटी। तो देखिए, एंटिटी इंटीग्रिटी के बारे में क्या सही है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। इट स्टेट्स डैट अ टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। देखिए, एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू इसलिए है क्योंकि देखिए एंटिटी इंटीग्रिटी में यही बताया गया है कि मतलब एक प्राइमरी की जो है किसी ना किसी टेबल में होनी चाहिए। प्राइमरी की क्यों होनी चाहिए, अगर प्राइमरी की नहीं होगी तो हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे।
सपोज आपका रिकॉर्ड कहीं पे लिखा जा रहा है, आपका नाम है राम एंड आपके फादर का नाम है श्याम, ठीक है, तो आप रहने वाले हैं लुधियाना के, ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनका नाम राम हो, जिनके पिता का नाम श्याम हो, जो रहने वाले लुधियाना के हों। ये कोई यूनिक रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/90, ठीक है, 9/9/90 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो भी कुछ नहीं कह सकते कि भाई ये यूनिक रिकॉर्ड है। राम भी राम श्याम लुधियाना एंड डेट ऑफ बर्थ 9/9/90, ये एक यूनिक रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो अब इस रिकॉर्ड को अगर डेटाबेस में हमें फाइंड करना है कि हाँ यही वाले राम और श्याम हमें चाहिए, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जस्ट सपोज इसमें एक और फील्ड ऐड कर दी गई टेबल टेबल में, यूआईडी आधार कार्ड उनका हमने ले लिया, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि आधार कार्ड जो है प्राइमरी ही होती है, ठीक है, तो अब आधार कार्ड नंबर तो जो होगा वो तो यूनिक ही होगा, वो तो दो लोग का सेम हो नहीं सकता है। अब हम इस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली, मतलब हमें उस आदमी का रिकॉर्ड चाहिए जिसका आधार कार्ड ये है। जब हम ऐसी क्वेरी लिखेंगे एक, तो सिर्फ और सिर्फ यही रिकॉर्ड निकल कर आएगा, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी की, एंड इसको हम प्राइमरी की अलॉट कर देंगे। डेटाबेस में ऐसा कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड वो लेगा नहीं अगर हमने एक बार इस फील्ड को प्राइमरी की बना दिया। तो यही स्टेटमेंट ट्रू है एंटिटी इंटीग्रिटी के रिकॉर्डिंग कि इट स्टेट्स दैट अ टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। एंटिटी इंटीग्रिटी में ये बताया गया है कि किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं है? देखिए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी एक एप्लीकेशन, एसक्यूएल स्टेटमेंट इसको डीएमएल बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को डीडीएल बोलते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को डीसीएल बोलते हैं, लेकिन डेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज जैसी ऐसी कोई चीज नहीं होती है, तो ये एक एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं है, तो ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेज हैज हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए, हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो पेन ड्राइव की कैपेसिटी आप सभी लोगों को पता है कितनी होती है, मैक्सिमम 64 GB होगी, 128 GB होगी, 256 GB होगी, इससे ज़्यादा पेन ड्राइव की कैपेसिटी नहीं है। डीवीडी की बात करें तो 4.7 GB के आसपास की होती हैं, सीडी की बात करें तो 700 MB के आसपास होती हैं, लेकिन अगर एसएसडी की हम यहाँ पर बात करें तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हो सकती है, 4 TB के आसपास इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है, इवन अब इससे भी ज्यादा आने लगी है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो एसएसडी होता क्या है, एसएसडी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए पिकोनेट। पिकोनेट के बारे में कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? देखिए, ऑप्शन सी एंड डी इसका सही है। इट इज एन ADHO नेटवर्क, इट वर्क्स ऑन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। जो पिकोनेट होता है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और एक पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है, और जितने भी पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो किस नेटवर्क पे काम करते हैं, ADHO नेटवर्क पे काम करते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी एंड डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डज द वर्किंग ऑफ ब्लूटूथ डिवाइसेस डिपेंड। जो ब्लूटूथ डिवाइस की वर्किंग होती है वो इनमें से किस मॉडल पर डिपेंड है? देखिए, इनमें से जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो मास्टर एंड स्लेव के कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। एक डिवाइस जो होती है वो तो होती है मास्टर, रिमेनिंग सारी डिवाइसेस होती हैं स्लेव, ठीक है, बेसिकली एक मास्टर 7 स्लेव्स को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो जो ब्लूटूथ डिवाइस की वर्किंग है वो पूरी मास्टर स्लेव मॉडल पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, विच की शुड यू यूज टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट। अगर आप एक रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, वर्ड में लिख रहे हैं और आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो आप टैब की प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, सपोज ये आपका डॉक्यूमेंट है तो लिखना यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखना स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, तो टैब की बेसिकली करता क्या है, जब आप टैब की प्रेस करते हैं तो ये 5 कैरेक्टर स्पेस देता है, 5 कैरेक्टर का स्पेस जो है वो छोड़ देता है टैब की, जितनी भी बार आप टैब की प्रेस करेंगे वर्ड पे 5 कैरेक्टर आगे कर्सर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबली लैंग्वेज। इनमें से क्या असेंबली लैंग्वेज के बारे में सही है? तो मैंने हमेशा बताया है कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड असेंबली लैंग्वेज जो है बेसिकली हार्डवेयर लेवल पे यूज की जाती है, वॉशिंग मशीन,
आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी प्रोग्रामिंग होती है, ये सब असेंबली लैंग्वेज में ही की जाती है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड जाके वेबसाइट पर डाउनलोड कर लीजिए इसकी पीडीएफ, और भी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, एंड जब भी चाहिएगा विजिट करिएगा वेबसाइट पे, एक ऐड पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू।